Black people are not allowed, Indians and dogs are not allowed. क्या आपको ये बर्दाश्त होगा कि आपके काले रंग की वजह से आपके साथ जानवरों सा व्यवहार किया जाए, आपको जेल में बंद कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि आप अपना हक मांग रहे हैं? Yes, I am talking about the first black president of South Africa, Mr. Nelson Mandela. Amajit, and इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपने संघर्ष के माध्यम से अपने आप को देश का राष्ट्रपति बना लिया, वो भी एक ऐसे देश के अंदर जहाँ पर एक काले व्यक्ति के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। एक काले व्यक्ति को वो कोई भी अधिकार नहीं मिलता था जो कि एक गोरे व्यक्ति को दिया जाता था। बावजूद इसके भी नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से इस चीज़ से मुक्ति पाई और इसी के साथ साथ गोरी सरकार को मजबूर कर दिया कि वह काले लोगों को भी शासन में हिस्सेदारी दे। तो आज हम नेल्सन मंडेला की इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि आज़ादी के मायने क्या क्या होते हैं किसी व्यक्ति के लिए, चाहे व्यक्ति छोटा हो या चाहे व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्र का हो। सबसे पहले एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से कम होती है, एक 8-10 साल का बच्चा आज़ादी चाहता है कि उसे जो भी खेलने का मन है, जो चीज़ उसे पसंद है, जो खेल उसे अच्छा लगता है उसे खेलने दिया जाए। मतलब कि एक 10 साल के बच्चे के लिए आज़ादी का मतलब उसके खेल कूद की आज़ादी से होता है। वहीं हम थोड़ा आगे जब चलेंगे तो देखेंगे कि एक 12 से 15 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसके मन में एक ऐसे आज़ादी की इच्छा होती है जिसमें वो इधर उधर बाजार में घूमे, और इसके बावजूद भी उसके माँ बाप उसे इन चीज़ों के लिए मना ना करें तो एक 12-15 साल का जो बच्चा होता है उसके दिमाग में हमेशा ये होता है कि मुझे एक ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें मेरे को मम्मी पापा की तरफ से कम रोक टोक हो। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 16 से 21 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं, अब वो चाहते हैं कि अब वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम सके और उन्हें कोई भी व्यक्ति उन पर रोक टोक ना लगाए। मतलब कि एक 10 साल का बच्चा चाहता है कि खेलना चाहूँ मैं, एक 12-15 साल का बच्चा चाहता है कि मुझे मेले में घूमने की आज़ादी मिल सके, और एक 16 से 21 साल का बच्चा चाहता है कि मुझे दोस्तों के साथ घूमने को मिले, पार्टी करने को मिले, पिज़्ज़ा खाने को मिले। तो हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे आज़ादी के मायने। अब हम बात करते हैं 21 से 28 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं जिनके लिए आज़ादी का जो वास्तविक मतलब कहीं खेलने में, कहीं मेले में घूमने में, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी आदि करने में नहीं है, बल्कि उसकी भूख इससे कहीं ज़्यादा होती। बिकॉज ऑफ ही डू नॉट वॉन्ट टू फ्री, ही वॉन्ट टू इंडिपेंडेंट। वो सिर्फ आज़ाद नहीं होना चाहता, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, मीन आत्मनिर्भर होना चाहता है। वो सिर्फ आज़ादी नहीं चाहता, क्योंकि हर आज़ादी का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन हर इंडिपेंडेंट के अंदर आज़ादी ज़रूर होती है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ ऐसा कहा जाता है, तो क्या उससे पहले भारतीयों को बोलने नहीं दिया जाता था, काम नहीं करने दिया जाता था, या वो कुछ करते नहीं थे? भाई आज़ादी उनको थी चीज़ें करने की, बट वो चीज़ वो अपने दम पर नहीं करते थे, वो जो करते थे वो करते थे अंग्रेज़ों के लिए। तो भारत को चाहिए थी फ्रीडम के अलावा इंडिपेंडेंसी। आज भी भारत के अंदर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, आज़ादी दिवस नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों आपको भी आज इंडिपेंडेंसी के साथ आज़ादी लेनी है अपनी बुरी आदतों से, अपने आलस से, अपने ना कहने की आदत से, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ है जो आपके सक्सेस के आड़े आती है, आपके ड्रीम को पूरा नहीं होने देती है, आपके टारगेट को कहीं ना कहीं पीछे रखती है, वो है आपका आलस। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताया है कि किस तरीके से जब वो बच्चे थे, मतलब कि उनकी उम्र काफ़ी कम थी उस समय, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था। जिस तरीके से एक 10 साल का बच्चा अपने खेलने की आज़ादी को ही आज़ादी समझता है, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी अपनी इसी चीज़ को आज़ादी समझते थे अपने बचपन में। जब वो थोड़े बड़े हुए
तो रात को घूमना फिरना, नाइट वॉक पे निकलना, इस तरह की चीज़ें उन्हें आज़ादी लगती थी। मतलब कि उम्र के हिसाब से हर एक व्यक्ति के लिए आज़ादी का मायने अलग अलग होता है। तो आपके हिसाब से आज़ादी का मायने क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति की भूख जितनी बड़ी होती है उसके लिए आज़ादी का मतलब उतना ही ज़्यादा बड़ा हो। जब मंडेला अपनी यंग एज में आए तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके आसपास जो उनके काले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ मारपीट की जाती है सिर्फ इस बात को लेकर के कि वो अश्वेत है, उनका रंग काला है। उन्हीं के देश के गोरे लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और इसी के लिए उन्हें 27 साल जेल में गुजारने पड़े और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें जेल से जब रिहा किया गया तो उन्हें देश में एक लोकतांत्रिक शासन की सरकार बनाने के लिए बुलाया गया और उन्हें देश का राष्ट्रपति पद दिया गया। तो दोस्तों, मुझे और आपको इतना बड़ा बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ आज आज़ादी के दिन करना इतना है कि अपनी बुरी आदतों से आज़ादी लेनी है, अपने आलस को छोड़ना है। वीडियो के लास्ट में बस चार लाइनें सुनाना चाहूँगा आपको, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। लाइनें कुछ ऐसी, मुक्त आज इन बंदिशों से जो आड़े तेरे आ रही, उठ खड़ा हो बढ़ चल तू आगे, मंजिले तेरी बुला रही। जय हिंद जय भारत, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।